हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स का शो डार्क, जो रिलीज हुआ था 2017 में। और जी नहीं, ये शो अब तक हिंदी में अवेलेबल तो नहीं है। ये शो नेटफ्लिक्स पर आपको सिर्फ जर्मन और इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि इस टाइप के शो को मेरे हिसाब से हिंदी में भी रिलीज करना चाहिए था, ताकि इंडिया में और भी लोग इस शो को देखकर अपने दिमाग को पूरी तरीके से कंफ्यूज कर दे। चलिए अब शुरू करते हैं स्पॉइलर फ्री रिव्यू को। सो फ्रेंड, डार्क के सीजन 1 में हमें टोटल 10 एपिसोड्स देखने मिलते हैं और हर एक एपिसोड लगभग 1 घंटे का है, जिसका मतलब साफ है कि इस शो को देखने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम चाहिए। जिसे मैं अगर क्लियर तौर पर कहूँ तो यही ठीक होगा कि जब तक इस पूरी की पूरी सीरीज को नेटफ्लिक्स अपनी तरफ से एकदम फाइनल खत्म नहीं कर लेता है, मेरे हिसाब से तब तक तो आपको इस सीरीज से पूरी तरीके से दूर रहना चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो नेटफ्लिक्स की तरफ से इसके 2 सीजन्स को रिलीज किया गया है और तीसरा सीजन हमें इसी साल देखने मिलेगा, बट रिलीजिंग मंथ और डेट अब तक कंफर्म नहीं की गई है इसके तीसरे सीजन को लेकर। और अब मैंने आपसे ऐसा क्यों कहा कि इस पूरे के पूरे सीजन के कंप्लीट होने के बाद ही आप इस शो को देखो, तो मैं पहले उस पॉइंट को क्लियर कर देता हूँ। वेल, ये शो सीधे सीधे फोकस करता है टाइम ट्रेवलिंग पर, और एक ऐसी टाइम ट्रेवलिंग जो समय में किसी भी टाइम पर नहीं की जाती। यहाँ पर ऑलरेडी टाइम के हिसाब से 3 टाइमलाइन को सेट किया गया है। एक टाइमलाइन 2019 यानी प्रेजेंट की है, उसके बाद दूसरी बाकी की 2 टाइमलाइन 1953 और 1968 की है। यानी अगर आपको टाइम ट्रेवलिंग करनी है तो वो टाइम पीरियड 33 ईयर्स के गैप में ही होगा, वो भी इन 3 ईयर्स में ही। यानी देखा जाए तो एक तरीके से इन 3 टाइमलाइन में एक लूप सा बन गया है, यानी घूम फिर कर आप टाइम में इन 3 ही इयर्स में जा सकते हो। लेकिन सीजन 1 के एंड में हमें थोड़ा और कंफ्यूज करने के लिए एक और टाइमलाइन ऐड की गई है, जिसके बारे में डेफिनेटली मैं आपको बताने वाला हूँ नहीं, क्योंकि इससे आप और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। सच में ये शो आपको पक्का कंफ्यूज करने में पूरी तरीके से कामयाब होगा, खास करके इसका सीजन 1। और सीजन 1 को जिस तरीके से एंड किया गया है, तो 2017 के बाद 2019 में इसका सीजन 2 बनाया गया, और अब जाकर इसके सीजन 2 से सीजन 3 में बस 1 ही साल का गैप है। क्योंकि ये एक ऐसा शो है जिसके अगर आपने सीजन 1 को देखा है, तो सीजन 2 देखने के लिए अगर आप टाइम में जरा सा भी गैप ले लेते हो, यानी आपकी रियल लाइफ में जैसे कि 2-3 महीने का, तो आपको पहला सीजन फिर से देखना पड़ेगा इसका दूसरा सीजन देखने के लिए। जी हाँ, ये शो हमें इतना ज्यादा कंफ्यूज करता है। उसके अलावा हमें इस शो में बस इन 3 ईयर्स की टाइमलाइन ही नहीं दिखाई गई, उन 3 टाइमलाइन में हमें जो 4 फैमिलीज दिखाई गई है, जिनमें अलग अलग मेंबर्स है, उनकी भी स्टोरी घूमते रहती है। यानी चारों फैमिलीज की 4 टाइमलाइन में एज अलग होगी और कैरेक्टर्स भी अलग होंगे, सिर्फ नाम ही सेम रहेगा। ये चीज ही आपको इस शो में कंफ्यूज करती है, क्योंकि एक तो ये शो हमें अननोन सी शक्लें दिखाता है जिन्हें हम पहचानते नहीं, उसके अलावा नाम भी इतने ज्यादा टफ है जिनकी वजह से हम इस शो में और भी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। लेकिन जिस तरीके की टाइम ट्रेवलिंग इस शो में डाली गई है, उस टाइमलाइन से तो एक बात साफ हो जाती है कि अगर आपका विश्वास टाइम ट्रेवलिंग को लेकर अवेंजर्स एंड गेम फिल्म ने पूरी तरीके से बदला है कि पास्ट में अगर आप टाइम ट्रेवलिंग करोगे या फिर फ्यूचर में, तो उससे आपका प्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, बल्कि आपका पास्ट या फिर फ्यूचर आपकी रियलिटी बन जाएगा। लेकिन डार्क में इस टाइम ट्रेवलिंग को उसी पुराने तरीके से दिखाया गया है कि प्रेजेंट की टाइमलाइन को अगर आपको सही करना है, तो पुरानी टाइमलाइन में जाकर आप कोई भी गड़बड़ी करोगे तो प्रेजेंट आपका उससे पूरी तरीके से बदल जाएगा। लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो इन टाइमलाइंस के हिसाब से, इन 3 टाइमलाइंस के हिसाब से कैरेक्टर्स वही करते हैं जो ऑलरेडी उनका फ्यूचर बना हुआ है, यानी एक और कंफ्यूजन। लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी सीजन 1 को लेकर कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो अगर आप टाइम ट्रेवलिंग को काफी अच्छी तरीके से समझते हो और टाइम ट्रेवलिंग को लेकर आपने हॉलीवुड की काफी सारी फिल्में देखी है, तो मेरे हिसाब से आपको नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ ये शो तो देखना ही चाहिए, क्योंकि टाइम ट्रेवलिंग को एक अलग ही लेवल पर दिखाया गया है इस सीरीज में, जो आपके दिमाग को पूरी तरीके से कंफ्यूज करने में कामयाब भी होता है। और इसके अलावा शो के डायरेक्शन की बात करें, तो जी हाँ, शो का डायरेक्शन कमाल का है। और इसी के साथ साथ शो के BGM और शो के एडिटिंग की भी बात करें, तो ये दोनों चीज भी इस शो को एक ग्रेट शो बनाती है। और अब इससे हटकर इस शो की कास्टिंग की परफॉर्मेंस की बात करें, तो जी हाँ, सभी के सभी एक्टर्स का काम अपने कैरेक्टर को लेकर बिल्कुल अच्छा लगता है। और अगर आप इन सब में सबसे बेस्ट एक्टर की बात करो कि कौन सा कैरेक्टर आपको इस सीरीज में सबसे ज्यादा पसंद आएगा, तो मेरे हिसाब से वो कैरेक्टर हैना का है। इसके अलावा नुहा भी आपको पूरी तरीके से कंफ्यूज करते हैं कि एक्चुअल में उनका पास्ट प्रेजेंट है क्या और वो चाहते क्या है। और सिर्फ वही नहीं, बाकी और भी दूसरे कैरेक्टर्स हैं जिनका सस्पेंस सीजन 1 में तो खोला नहीं गया, तो आई होप सीजन 2 में उनका सस्पेंस पूरी तरीके से खोल दिया जाए। और अब इस शो के प्लॉट की बात करें, तो कहानी शो की सेट है जर्मन के एक छोटे गांव विंड में, जिसकी टाइमलाइन ऑब्वियसली प्रेजेंट यानी 2019 की है। और इस टाउन से मिकेल नाम का एक लड़का अचानक से गायब हो जाता है, जिसका कोई भी सुराग नहीं मिलता। तो अब मिकेल के गायब होने से इन 4 फैमिलीज पर क्या असर पड़ेगा, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा डार्क का सीजन 1, जो इसके नाम की तरह बहुत ज्यादा डार्क है। तो प्लॉट के नाम पर मैं आपको सीजन 1 की बस इतनी ही डिटेल दे सकता हूँ। अगर आप ये सोच रहे हो कि टाइम ट्रेवलिंग से रिलेटेड मैंने काफी सारी डिटेल्स आपके सामने रखी है जो कि स्पॉइलर से भरी हुई है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये शो टाइम ट्रेवलिंग के कॉन्सेप्ट के नाम से आपके सामने पूरी तरीके से स्पॉइल हो जाता है। क्योंकि इससे हटकर जो चीज हमें इस शो में दिखाई गई है, वो है टाइम ट्रेवलिंग का यूज करना, वो भी 3 टाइमलाइन में। ये चीज बहुत ज्यादा डिफरेंट है और पूरा ही फोकस
परफॉर्मेंस इस शो का काफी ज्यादा अच्छा रखा गया है। और अब बात करें इस शो की रेटिंग की, तो अगर मैं बात करूँ इस शो के एक्शन की, तो शो में एक्शन लिमिटेड है, लेकिन जितने भी है वो सिचुएशन के हिसाब से ठीक है, जिसके चलते एक्शन को मैं दूंगा 5 में से 1 स्टार। और बात करें शो की कॉमेडी की, जी नहीं, शो में ऐसी कोई भी कॉमेडी डाली नहीं गई, जिसके चलते ये रेटिंग 5 में से 0 स्टार की होगी। और बात करें ड्रामा की, ड्रामा को मैं यहाँ पर सीधे सीधे दूंगा 5 में से 4.5 स्टार, क्योंकि सच में शो का प्लॉट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके बाद बात करें हॉरर की, तो इस शो में हमें हॉरर के साथ साथ थ्रिल भी काफी अच्छा खासा देखने मिलता है, क्योंकि इस शो में हमें कुछ लाशें भी दिखाई जाती है जिनकी आंख और कान पूरी तरीके से जल जाती है, जिसके पीछे एक अजीब सा लॉजिक दिखाया गया है, जिसके चलते हॉरर को मैं दूंगा 5 में से 3.5 स्टार। और इसके अलावा बात करें इस शो के सस्पेंस की, तो सस्पेंस के मामले में इसका सीजन 1 ले जाता है पूरे 5 में से 4 स्टार, क्योंकि शो का सस्पेंस बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्ड किया गया है। और अब बात करें मासस ऑडियंस की, तो अगर ये शो हिंदी में रिलीज हुआ होता तो मासस ऑडियंस भी इस शो को एंजॉय करते, लेकिन फिर भी उनकी नजर में इस शो की रेटिंग C+ की होती है। और बात करें क्रिटिक्स और मेरी, तो इस बारे में क्रिटिक्स और मेरी राय बिल्कुल मिलती जुलती है, जिसके चलते मैं इस शो को सीधे सीधे दूंगा A-, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि इस शो ने मुझे बहुत ही कंफ्यूज किया है। और स्टार्ट के 3 एपिसोड से तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शो को कंटिन्यू ही नहीं करूं, लेकिन उसके बाद जाकर इस शो में हमारा इंटरेस्ट बनता है और चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होना शुरू हो जाती है। यही इस शो की सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, इसीलिए मैंने इस शो को सीधे सीधे A- की रेटिंग दी है। तो अब सीजन 2 देखकर मैं आपको अपनी राय जल्द से जल्द बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको इसके सीजन 2 के भी बारे में ये पता चले कि सीजन 1 के मामले में सीजन 2 को अच्छा बनाया भी गया है या नहीं, और स्टोरी कंटिन्यू किस तरीके से की गई है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है नेटफ्लिक्स के शो डार्क के सीजन 1 को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और उसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लग गया तो इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।